नमस्कार मित्रों, आज की कहानी में जानेंगे कि हिंदू धर्म में क्यों मुंडन है जरूरी। सभी धर्मों में तरह तरह के रीति रिवाज, परंपराएं और मान्यताएं होती हैं। हिंदू धर्म में भी शादी ब्याह, जन्म, मृत्यु, नामकरण जैसे मौके पर कुछ परंपराएं होती हैं जिनका पालन किया जाता है। ऐसी ही एक परंपरा सभी धर्मों में तरह तरह के रीति रिवाज, परंपराएं और मान्यताएं होती हैं। हिंदू धर्म में भी शादी ब्याह, जन्म, मृत्यु, नामकरण जैसे मौके पर कुछ परंपराएं होती हैं जिनका पालन किया जाता है। ऐसी ही एक परंपरा मुंडन की, यानी सिर के सारे बाल कटवाने की। हिंदू धर्म में मुंडन करना एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। तिरुपति और वाराणसी जैसे पवित्र स्थानों में मुंडन करवाना बहुत शुभ माना जाता है। बालों को गुरूर का चिन्ह माना जाता है, जिससे भगवान के आगे दान कर देते हैं। लोग अपने बाल अपनी मन्नत पूरी हो जाने पर भी दान करते हैं। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं मुंडन क्यों करवाया जाता है। बाल अहंकार का प्रतीक है। हिंदू धर्म में जन्म और पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि बच्चे के मुंडन से बाद वह अपनी पुरानी जिंदगी के बंधनों से मुक्त हो जाता है। बालों को गर्व और अहंकार का चिन्ह माना जाता है। यही वजह है मुंडन करवाकर हम अपना अहंकार त्याग कर अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं। माना जाता है कि मुंडन कराने से बालों को गुरूर का चिन्ह माना जाता है, जिससे भगवान के आगे दान कर देते हैं। लोग अपने बाल अपनी मन्नत पूरी हो जाने पर भी दान करते हैं। हिंदू धर्म में जन्म और पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि बच्चे के मुंडन से बाद वह अपनी पुरानी जिंदगी के बंधनों से मुक्त हो जाता है। बालों को गर्व और अहंकार का चिन्ह माना जाता है। यही वजह है मुंडन करवाकर हम अपना अहंकार त्याग कर अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं। माना जाता है कि मुंडन कराने से बुरे विचार खत्म हो जाते हैं। मन्नत पूरी होने पर लोग मुंडन करवाते हैं। मन्नत पूरी हो जाने के बाद लोग अपने बाल भगवान को अर्पित करते हैं। यह परंपरा का चलन तिरुपति और वाराणसी में बहुत है। मृत्यु के बाद पार्थिव शरीर के दाह संस्कार के बाद मुंडन करवाया जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि जब पार्थिव देह को जलाया जाता है तो उसमें से भी कुछ हानिकारक जीवाणु हमारे शरीर पर चिपक जाते हैं। नदी में स्नान और धूप में बैठने का भी इसीलिए महत्व है। सिर में चिपके इन जीवाणुओं को पूरी तरह निकालने के लिए ही मुंडन कराया जाता है।